हाय गाइस, मैं एमडी मुजफ्फर हुसैन। हमारे यूट्यूब चैनल एससीआई एडुटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, लास्ट क्लास हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में यानी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में सीखा है। तो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं आपके सामने हैं। तो गाइस, बिल कम चलान। तो गाइस, बिजनेस में अगर हमको बिल कम चलान बना करके किसी कस्टमर को बिल देना है तो हम कैसे इसका इसका फॉर्मेट बनाएंगे। तो गाइस, चलिए आज हम लोग इस फॉर्मेट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमने टाइप करके रखा है बिल कम चलान। तो गाइस, इसको सजाने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप से का इस्तेमाल करके हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सजा ये हेडलाइन को सजाने की कोशिश किया। तो ठीक उसी प्रकार आज हम लोग फिर बिल कम चलान जैसे हेडलाइन को फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप का इस्तेमाल करके प्रयोग करके हम इसको सजाने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हमें मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करके इन सारे सेल्स को हमको मर्ज कर देना है, इकट्ठा कर देना है, यानी सारे सेल को मिला करके एक सेल बना देना है। तो गाइज, ये अलाइनमेंट ग्रुप है। अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर जैसा ऑप्शन हमारे सामने है। इस मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम सारे सेल्स को मर्ज कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं और एक ही सेल में तब्दील कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो गाइस, जो ही हमने मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज पर क्लिक किया है तो सारे सेल्स एक हो गए हैं और एक सेल बन चुका है। तो गाइस, इसकी साइज को हम बढ़ाते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और इसका फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं और गाइस, इस सेल के बैकग्राउंड कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, हमने यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट बैकग्राउंड कलर को चेंज करने की कोशिश किया और टेक्स्ट कलर को हम डिफरेंट लेते हैं। तो गाइस, व्हाइट लेते हैं। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है ब्लैक एंड व्हाइट का। तो गाइस, हमने ले चुके हैं। इसकी साइज को हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं डिग्रीज फॉन्ट में जा करके और इसे अब हम सेलेक्ट करते हैं और गाइस, थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। बोल्ड कर दिए और इसकी साइज को हम यहाँ से बढ़ा लिया। तो गाइस, हम इसकी साइज को यहाँ से बढ़ा चुके हैं और थोड़ा सा इसकी साइज को भी अगर हम बढ़ा देते हैं तो और थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पे 14 साइज में हमने इसको चेंज किया है और आगे हम लोग इस टोटल अमाउंट जो लिखा हुआ है ये आपका C7 सेल में है, इसकी वैल्यू है। गाइस, इस वैल्यू के बारे में भी हम लास्ट क्लास में आपको बताया है। तो इसकी वैल्यू C7 है और C7 और D7 दोनों को हमको मर्ज कर देना है। तो और फिर ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले हेडलाइन को मर्ज किया है, यहाँ पे जाकर मेलन सेंटर पे जाकर के मर्ज एंड सेंटर पे जाकर के हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा दोनों सेल एक एक सेल बन गया है। तो गाइज, इसी उसी प्रकार इसको भी हम मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे हम मर्ज कर दिए, डिस्काउंट को भी मर्ज कर देते हैं, डिस्काउंट को भी मर्ज कर दिए, नेट टोटल को भी हम मर्ज कर देते हैं। तो गाइज, हम इन सभी चीजों को हमने मर्ज कर दिया है। अमाउंट साइज के कॉलम को थोड़ा सा हम चौड़ा कर दिया है और उसके बाद हम इन तमाम कॉलम्स एंड रो को सिलेक्ट जब करते हैं और यहाँ पे ऑल बॉर्डर ऑप्शन का यूज करते ऑल बॉर्डर लगा देते हैं तो यह हमारा खूबसूरत सा एक बिल कम चलान बन चुका है। तो गाइस, अब हम इसमें जो कैलकुलेशन करने करने को है वो कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो गाइस, ये क्वांटिटी है हमारा, ये क्वांटिटी यानी लैपटॉप की संख्या 5 है और एक लैपटॉप का रेट हमारा 25,000 है। तो पूरा अमाउंट हमारा कितना बनता है? तो गाइज, इसको करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के कई तरीके हैं। तो गाइज, हम अभी लास्ट क्लास में जो हमने तरीका सीखा है उसी तरीका का इस्तेमाल, उसी मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इक्वेस टू 5 × यानी स्टार बटन को प्रेस करते हैं और फिर रेट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं, हमारा अमाउंट यहाँ पे आ चुका है 1,25,000। तो गाइस, ठीक उसी तरह से जब हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं और क्लिक एंड ड्रैग करके नीचे डाउन करते हैं, स्क्रॉल करते
करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो करके हमारा अमाउंट ऑप्शन में, अमाउंट कॉलम में आ जाता है। क्वांटिटी और रेट दोनों कैलकुलेट होकर के, दोनों मल्टीप्लाई होकर के अमाउंट कॉलम में आमने सामने आ जाता है। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हमने एक ही मेथड से सीखा है, कई मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, हम आगे के क्लास में स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे मेथड्स को सीखने की कोशिश करेंगे, सम के माध्यम से, उसके बाद आउटो सम के माध्यम से, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं उसके माध्यम से हम लोग कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। अभी आप इतना ही सीखें, नेक्स्ट वीडियो में हम बेहतर तरीके से और भी नए नए वीडियोस एग्जाम्पल्स लेके आएंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और जब जो ही हम इस पॉइंट में ले आकर के क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो सारा कैलकुलेशन आपके सामने आ जाता है। तो गाइस हम टोटल अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीका है, तो अभी हम पुराना ही तरीका यानी इक्वल्स टू ये 1 लाख यानी E3 प्लस प्लस E4 प्लस E5 सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करते हैं और हमारा यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है। तो गाइस GST 18% है, इस इतने अमाउंट का हम 18% GST निकालने के लिए तो गाइज एक फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू सम SUM सम, टैब दबाते हैं, टैब आपके कीबोर्ड से टैब दबाते हैं, उसके बाद इस अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इनटू प्रेस करते हैं, इनटू प्रेस करने के बाद यहाँ पे 18% टाइप करते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं और उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं, तो हमारा ये 18% GST निकल चुका है। गाइस गुड सर्विस टैक्स निकल चुका है, पहले वैट था, वैल्यू एडिड एडिड सर्विस टैक्स था पहले, और अब हमारा ये वही वैल्यू एडिड सर्विस टैक्स चेंज होकर के GST के रूप में अब आ चुका है। तो गाइस हम डिस्काउंट अपने अकॉर्डिंग, ये दुकानदार के अकॉर्डिंग डिस्काउंट कितना करता है, तो गाइस हम 1000 डिस्काउंट करते हैं इस प्रोडक्ट पे, 1000 हमने डिस्काउंट किया और नेट टोटल अमाउंट हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो गाइस ये टोटल अमाउंट और GST जो भी टैक्स लगता है और टोटल अमाउंट होता है वो जुड़ता है, तो गाइस दोनों को हम जोड़ेंगे, उसके बाद ये जो हमने दुकानदार के तरफ से या बिजनेसमैन के तरफ से जो डिस्काउंट मिला है कस्टमर को वो माइनस होगा। तो गाइस हम करके देखते हैं, इक्वल्स टू प्लस हमारा GST टोटल अमाउंट प्लस GST माइनस 1000। तो गाइस इस तरह से फॉर्मूला आप को अप्लाई कर सकते हैं, इंटर हम प्रेस करेंगे, हमारा टोटल अमाउंट यहां पे निकल चुका है। तो गाइस बिल कम चलान आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जहां जहां हमने फॉर्मूला लगाया है आपको फॉर्मूला दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये फॉर्मूला बार है गाइस, जहां पे फॉर्मूला लगा है उस पे सिलेक्ट करके आप यहां से फॉर्मूला बार से उस फॉर्मूला को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं E7 प्लस E8 माइनस E9 इक्वल्स टू हमारा 347,100 आया है गाइस। उसके बाद ठीक उसी प्रकार टोटल अमाउंट के लिए हमने फॉर्मूला जो लगाया है E3 प्लस E4 प्लस E5 E3 प्लस E4 प्लस E5 आप देख सकते हैं इस दोनों को काउंट हुआ है, और उसके बाद गाइस यहां पे भी देख सकते हैं इक्वल्स टू C3 इंटू T3 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इधर प्लस किया है, इधर प्लस किया है, परसेंटेज निकाला है। तो गाइस इस तरह से हम सिंपल कैलकुलेशन एक्सेल में बड़ी आसानी के साथ और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।